और अगर आपको मार्शल आर्टिस्ट नहीं भी है तब भी मेरे को लगता है हर एक बंदे को एक पंच को मारना जरूर आना ही चाहिए। अब आपको जरूर लगता होगा कि आपको पंच मारना आता है, आपने मूवीज में देखा है कि हीरो पंच मारता है, दीवार तोड़ देता है, बट ऐसे रियल लाइफ में नहीं होता। पंच मारना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है और अगर आपने इसको ठीक से नहीं मारा बहुत अच्छा चांस है कि ओपोनेंट को नहीं आपको खुद चोट लग जाएगी आपके रिस्ट में और आपके नकल में। तो हम आगे बढ़ते हैं, पंच कैसे मारते हैं। तो सबसे पहले बात आती है फिस्ट कैसे बनाते हैं। बहुत लोग फिस्ट ही गलत बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे बना लेते हैं, कुछ लोग ऐसे बना लेते हैं, कुछ लोग ऐसे बहुत अजीब तरीके से फिस्ट बनाते हैं जो बहुत गलत होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिस्ट को अच्छे तरीके से कैसे, तो चलो देखते हैं पंच कैसे बनाते हैं। आप अपना हाथ ऊपर करेंगे, सबसे पहले ये जो जॉइंट है सबसे पहले आप इसको टर्न करेंगे, फिर दूसरा, और फिर आप थंब को अंदर ऐसे करके रैप करेंगे। तो अगर आप देखेंगे जब आप पंच मारते हैं तो आपका जो थंब है वो कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए सरफेस के। काफ़ी लोग इस थंब को ऐसे रखते हैं जो गलत है, थंब आपका टूट सकता है। काफ़ी लोग ऐसे जो अगेन टूट सकता है, थंब हमेशा इधर रैप्ड रहेगा। आपको अपने हाथ को इतना टाइट बंद करके रखना है कि आपको इमेजिन करना है कि आपके हाथ में रेत है और आपको इसको इतना टाइट बंद करना है। अगर आप इसको लूज बंद करके पंच मारने की कोशिश करेंगे आपकी उंगलियों पर चोट लग सकती है और नकल्स पर भी। तो हमेशा हम इसको थंब को ऐसे बंद करेंगे। अब अगर हम आगे बढ़ें, आपके हाथ का क्या सही पोस्चर होना चाहिए। तो जब हम पंच मारते हैं, काफ़ी लोग पंच ऐसे मारते हैं, काफ़ी लोग पंच ऐसे मारते हैं, काफ़ी लोग ऐसे मारते हैं, जो गलत है, तीनों गलत हैं। हम क्राव मगा में पंच मारते हैं 45 डिग्री एंगल पे, जो यहाँ इसके और इसके बीच में 45 डिग्री एंगल के बीच में। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो बोन्स होती है। इन दो बोन्स को साइंटिफिकली प्रूवन है कि 45 डिग्री पे सबसे ज़्यादा बोन्स अलाइंड होती है और आप मैक्सिमम पावर जनरेट कर सकते हो। ऐसे आपके जो फ्रंट के दो नकल्स हैं, ये वाले दो नकल्स आपके वीक नकल्स होते हैं, ये वाले दो नकल्स आपके स्ट्रॉन्ग नकल्स होते हैं। आपको हमेशा इनको आगे मारना है, ओपोनेंट को आपको इन दो नकल्स से मारना है। अगर आप ओपोनेंट को इन दो नकल से मारोगे तो ओपोनेंट को चोट लगेगी, अगर आप ओपोनेंट को इन दो नकल से मारोगे तो आपको चोट लगेगी। तो मेक श्योर कि सिर्फ ये दो नकल्स आपके हिट होने चाहिए एंड 45 डिग्री एंगल पे। उसके बाद करते हैं पंच मारने के लिए आपको खड़ा कैसे रहना चाहिए। हमने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है कि कैसे एक फाइट में खड़े होते हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है उसका लिंक। तो अगर आप इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले इसको पॉज करके पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको थोड़ी ज़्यादा समझ आ जाएगी कि कैसे खड़ा होना है। अब हम आगे बढ़े तो हमारे पास सबसे पहला तरीका होता है पैसेंजर से नहीं पैसेंजर से खड़ा होना। जब आपके पैर दोनों ऐसे रहते हैं, आपका जब गार्ड इधर है, जब आप पंच मार रहे हो, आपको पावर बढ़ाने के लिए जो पहली चीज़ आप कर सकते हो इस स्टैंड से आप स्टेप कर सकते हो पंच मारते हुए, एक दो। इससे होगा क्या कि आपका जो बॉडी वेट है वो आगे जा रहा है पावर बढ़ाने के लिए। तो अगेन इसमें आप स्टेप ले सकते हो और आपका पूरा का पूरा जो बॉडी वेट है वो आगे जा रहा है। जब दूसरा पंच आप थ्रो करेंगे याद रखिएगा कि पहला पंच आपका रिकॉइल होना चाहिए, मतलब कि वापस जाना चाहिए। जितनी स्पीड से आपने पंच मारा है उससे दुगनी स्पीड से वापस खींचना चाहिए पंच, तभी दूसरा पंच वापस जाएगा। कभी भी किसी को एक पंच ना मारिए, मल्टीपल पंचे जरूर मारिए। तो मल्टीपल हिट्स मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी को भी गिराने के लिए। 45 डिग्री एंगल पर पंच रखिए, स्टेप फॉरवर्ड कीजिए और हम किक करेंगे और हम पंच करेंगे। अब अगर हम लोग दूसरे स्टांस के बारे में बात करें जो है हमारा फाइटिंग स्टांस, जो हमारा मेन स्टांस होता है जब हमारी बॉडी रेडी होती है फाइट के लिए, इसमें हम कैसे शुरू करते हैं, इसमें हम हमेशा आगे वाले फुट से मारना शुरू करते हैं। मतलब जो भी पैर हमारा आगे है तो वो वाला हाथ पहले स्ट्राइक करेगा, तो लेफ्ट और फिर राइट। इसके अंदर हमें दो तीन चीज़ों का ध्यान देना है। पहली चीज़, जब आप पंच करते हैं अगर आपने सिर्फ ऐसे पंच किया कि सिर्फ आपकी बाइसेप की पावर है, ज़्यादा पावर नहीं है, पंच की पावर को कैसे बढ़ाया जाए। सबसे पहले जो तो आपका शोल्डर है, आपको अपने शोल्डर को ऊपर उठाना है कि वो शोल्डर आपका जब ऊपर उठेगा तो आपने चीन को टच करना चाहिए। तो इससे आपका शोल्डर मसल इन्वॉल्व होगा और थोड़ा सा ट्विस्ट कर लो बॉडी को ताकि आपकी अपर बॉडी का वेट भी अंदर घुस रहा है पंच के। वन और टू, जब हम बैक पंच मारते हैं उसके अंदर हम पिवट करते हैं, हम अपनी बॉडी को ट्विस्ट करके पिवट कर रहे हैं। इससे आपकी पावर ट्रिपल हो रही है क्योंकि आपका जो पूरा बॉडी वेट है वो पिवट हो रहा है। हम लोग आगे वाले हाथ से पिवट नहीं करेंगे, सिर्फ शोल्डर को ऊपर करेंगे और पूरी बॉडी ट्विस्ट करेंगे और पीछे वाले हाथ से जैसे ही रिकॉइल होता है हम लोग
पिविट करके फुल पावर पंच दे रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे पहले लेफ्ट हैंड क्यों बाद में राइट हैंड क्यों, जबकि मैं राइटी हूँ राइट हैंड ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि पहला हैंड जैब होता है, हम लोग एक ओपोनेंट को उसके लिए सेटअप कर रहे हैं नॉकआउट के लिए। तो जब हम एक ओपोनेंट को सेटअप करते हैं तो हमने पहला हाथ मारा उसको मुंह में ताकि वो एकदम से हिला, और फिर हमने उसको नॉकआउट पंच मारा जो ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि अगर आप ये देखेंगे हमारा जो आगे वाला हाथ है उसकी रीच ज्यादा है और उसको टाइम कम लगता है तो वो जल्दी जा सकता है, तो जैसे ही उसको पड़ा हमारे पास एक सेकंड का टाइम आया और हमने उसको दूसरे हाथ से पावर पंच से नॉकआउट कर दिया। सो लेफ्ट एंड राइट याद रखिएगा, शोल्डर ऊपर ट्विस्ट, शोल्डर ऊपर ट्विस्ट और पिवट 45 डिग्री एंगल, फ्रंट टू नकल से हम मारेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप कहीं लिख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बनना है तो आपको पंच जैसे बेसिक चीज़ों को कम से कम हजारों बार प्रैक्टिस करना होगा हवा में। आप अपने आप को शीशे में देख सकते हैं, फाइटिंग स्टार्स में आ सकते हैं और धीरे धीरे 1000 बार आप इसको ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। जब आप इसको स्लो कर पाएंगे तब आप इसको ऑटोमेटिकली अच्छे फॉर्म के साथ फास्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे।